निवाड़ी जिला के पृथ्वीपुर में उपचुनाव के पहले आचार संहिता उल्लंघन को आरोप लगे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पे। दरअसल कल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा पृथ्वीपुर पहुंचे थे और इतने उनने एक रैली निकाली विजय संकल्प की। तमाम सारे लोगों के साथ बड़ी संख्या में उतने भीड़ दिखाई दी। भीड़ की तस्वीरें भी बाकायदा सार्वजनिक तौर पर देखी गई और कोरोना काल में ऐसी रैलियों की इजाज़त नहीं आ जो कदभ कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग में करी है प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा की शिकायत। मध्य प्रदेश में खंडवा लोकसभा, पृथ्वीपुर, रेगांव और जोबट के विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, लेकिन आश्चर्य इस बात का है कि मध्य प्रदेश सरकार, खासकर मुख्यमंत्री जी और उनके सारे मंत्री, किसी भी आचार संहिता का पालन नहीं कर रहे हैं। कभी सारे नियमों को धत्ता दिखा रहे हैं, लगातार नियमों का उल्लंघन करते रहते हैं। कल जिस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रेगांव के अंदर रैली निकाली, जुलूस निकाला, लोगों घरों पर झंडे लगाए, सैकड़ों की संख्या में चुनाव प्रचार किया, जबकि चुनाव आचार संहिता के नियम अनुसार ये 5 लोगों से ज़्यादा चुनाव प्रचार नहीं कर सकते, किसी के मकान पर बिना उनकी अनुमति के झंडे नहीं लगा सकते। लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा भी की कि हम लोगों को पक्के मकान बना के देंगे। ये सारी चीज़ें हैं और आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया, कोविड का नहीं किया, कोविड के नियम अनुसार 188 का खूब उल्लंघन किया, ना सोशल डिस्टेंसिंग थी ना मास्क था। यही हाल पृथ्वीपुर में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी ने किया। उन्होंने भी वहाँ पर लोगों घरों पर झंडे लगाए, सैकड़ों की संख्या में भीड़ के साथ में रैली निकाली, रोड शो किया, चुनाव आचार संहिता की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं, लोगों के बिना परमिशन के उन्होंने लोगों घर पर झंडे लगाए। ये सारे के सारे चुनाव नियमों के विरुद्ध हैं। हमने आज भारत निर्वाचन आयोग की शिकायत की है और हमने मांग की है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष श्री बीडी शर्मा के विरुद्ध कार्रवाई की जाए, आचार संहिता के उल्लंघन का प्रकरण दर्ज किया जाए और स्थानीय प्रशासन जिनके द्वारा इसमें कार्रवाई नहीं की गई है, उन्होंने रोका है, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाए। हमें उम्मीद है कि चुनाव आयोग इस पर कोई ना कोई निर्णय लेगा। उपचुनाव के लाने दो ही पार्टियां अपनी ताकत झोंक रही हैं और सार्वजनिक तौर पर शहर के बीचों बीच ऐसी रैली को लेकर अब प्रशासन को रुख का रहे हैं जो देखने वाली बात है। पृथ्वीपुर से भूपेंद्र सिंह राजावत, बुंदेली, बौछार के लाने। सुनहरा भविष्य आपकी राह देख रहा है। एकलव यूनिवर्सिटी में चुनिए अपने मनपसंद करियर कोर्स जैसे इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, मैनेजमेंट, नर्सिंग, फॉरेंसिक साइंस, जर्नलिज्म, PhD आदि में प्रवेश लें और अपने सपनों को नए पंख दें। एकलव यूनिवर्सिटी सागर रोड। बुंदेली बौछार की शानदार खबरें और देसी मनोरंजन देखने के लाने सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाव ना भूलें। संगई फॉलो करें बुंदेली बौछार के फेसबुक पेज को।